साला सब्जी चोरी कर रहा था, बताओ चोरी क्यों कर रहा था? क्या बताएं क्रिस, मेरा शादी भी नहीं हुआ है और बीबी बोली जाके सब्जी लेके आओ। अच्छा बीबी का मैटर है? हाँ रुको रुको, ये लो सारा सब्जी ले लो, जाओ खुश रहो। साला शादी तो हुआ नहीं, फिर बीबी कहाँ से आ गई? अब दूसरा सब्जी खरीदना पड़ेगा। अभी पता चल जाएगा। बता तुमको क्या दिख रहा है? हाँ एक आदमी ऑटो लेके भागने जा रहा है। अब देखो क्या दिख रहा है, एक काला आदमी चार आदमी को बहुत मार रहा है। तो चाचा अभी तक जिंदे हैं? तो तू क्या चाहता है, मर जाए? नहीं नहीं मरिए मत। अरे सोने का चैन कहाँ से लाए? कल ही मेरे बेटा खरीद के लाया है, पूरे 1,00,000 रुपए का है। चाचा इतना महंगा चैन पहन के मत घूमिए, जमाना बहुत खराब है। जमाने के बारे में तो हमसे ज्यादा जानता है। मारो साले को। लीजिए चाचा आपका चेन। चाचा इतना महंगा चेन पहन के मत घूमिए, जमाना बहुत खराब है। जमाने के बारे में तुमसे ज्यादा जानता है, चल निकल यहां से। अरे साला भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। वो क्रिस है मानव जाति का रक्षक, उसी को तुमको मारना है। क्या बात कर रहा है यार, चार आदमी मिलकर उसको नहीं मार पा रहा, हम अकेले क्या उखाड़ेंगे? तुम भूल रहा है तुम्हारे अंदर शक्ति है, पावर है। हम कैसे विश्वास कर ले, मेरे पास शक्ति है पावर है। अभी विश्वास हो जाएगा। अब बोल क्या यार, तू भी बच्चों जैसे ईटा उठा लेता है। ईटा फेंक, ईटा फेंक, अभी फेंकते हैं। मेरे अंदर की शक्ति, ऐसा ही शक्ति तेरे अंदर भी है, लो संभालो। हाँ यार मेरे अंदर भी शक्ति है, देखा? चलो अब क्रिस को मारते हैं। चलो टेन टेन, ये लो बेबी तुम्हारे लिए सब्जी लेके आया। तुमको भेजे तो सुबह सब्जी लाने के लिए और तुम अभी आ रहे हो, इतना देर से कहाँ मर गए थे? अरे वो कुछ लोग मुसीबत में था तो मैं उसका मदद कर रहा था। ओ चलो मेरा मदद करो, जाकर पूछा लगाओ।
साला शादी करके फंस गए। ये लो चश्मा पहनो और देखो अभी क्रिस क्या कर रहा है। क्रिस तो अभी पोछा लगा रहा है। वो पोछा लगा रहा है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। या जानू पोछा लगा लिए। अरे वाह, चलो जाके बर्तन धो। हम बर्तन धोएंगे, धोएंगे। क्रिस मानव जाति का रक्षक है, अगर क्रिस को यहाँ पे लाना है तो मानव जाति को ठेस पहुंचाना होगा। जाओ किसी आदमी को उठा के लेकर आओ। अभी लाते हैं। लगता है कोई मुसीबत में। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो उसे। दम है तो मुझे मारो। अबे साले पहले पैंट तो पहन के आ। अब बोल, देख क्या रहा है, जाओ मार साले को। साला क्रिस बहुत पावरफुल है, उसको मारना बहुत मुश्किल है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सब ठीक है ना? बहुत मारा सालों ने, अब कोई नहीं मारेगा, हम आ गए ना। चलो मेरे साथ। क्रिस, आपसे एक सवाल पूछना था। आप पूछो। आप सुसु करते हो? क्या बात कर रहे हो यार। आई एम क्रिस, मेरे अंदर सुपर पावर है, मैं सब सुसु नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उड़ता हूँ और लोगों को बचाता हूँ। अच्छा। चलो अब तुम घर जाओ, अब तो सवाल पूछते रहते हैं खाली। अपना ध्यान रखना। अरे मैं सुसु नहीं कर रहा हूँ, वो चेन फंस गया तो वही फ्री कर रहा हूँ। तुम अभी तक घर गए नहीं, चलो घर जाओ। साला बहुत जोर से पेशाब लग गया यार। अरे यार कितनी बार बोलो चेन फंस गया फ्री कर रहा हूं, चल घर जा। साला बार बार डिस्टर्ब करने आ जाता है। यहाँ कोई नहीं है। यू यू सवाल साला आराम से सुसु करेंगे।
हाँ यहाँ कोई नहीं है। यू 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 साला खाना 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 बेटा खाना बेटा क्या हो बेटा बाबूजी खाना खाना बाबूजी बाबूजी तो भूख लगा बाबूजी खाना 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 बेटा 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 क्या हुआ इसको? क्या बताए बेटा, 5 दिनों से हम लोग कुछ नहीं खाए, इसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मर गया। मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। अब मुझे सब समझ में आ गया। क्या? इंसान अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसका मतलब क्रिस भी अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो कैसे? साला वो भी तो इंसान ही है। क्रिस, आप यहाँ? मैं आप सबको कुछ बताने आया हूँ। हाँ तो बताइए। सब कोई कहता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, सरकारी नौकरी करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पढ़ लिख कर किसान बनो, खेती करो, जबकि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अनाज है और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने एक गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो सही है, लेकिन खेती भी करो, जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? ठीक है सर, चलते हैं, आप पढ़ाइए। अरे ये क्या हो रहा है? चचा दो समोसा। अरे ये क्या हो रहा है? जादू? जादू? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हम कुछ खा क्यों नहीं पा रहे? अच्छा तो ये लोग मेरा खाना खा रहा है। थैंक यू जादू, अब तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
ब्रेकिंग न्यूज, क्रिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं कि खेती करना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्रिस के सामने एक बच्चा भूख से मर गया और वो कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सुनिए क्रिस क्या बोल रहे हैं। और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने एक गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सही है, लेकिन खेती भी करो। जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पढ़ लिख कर किसान बनो, खेती करो, जबकि जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अनाज है। और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मेरे सामने एक गरीब बच्चा भूख से मर गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सही है, लेकिन खेती भी करो। जब खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या?